हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 78 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th, हमारी डेट 31st of January के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ इफेक्ट द एनवायरनमेंट। जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो चीज़ें, जो काम हम करते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ता है, वो कैसे प्रभाव डालता है हमारे एनवायरनमेंट पे, पर्यावरण पे। ठीक है, सो वी आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। हम क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है एनवायरनमेंट का। मतलब जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनका प्रभाव हम पे पड़ता है, और जो हम कर रहे हैं कुछ भी चेंजेस एनवायरनमेंट में, वो प्रभाव एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। ठीक है, सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसी की वजह से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जो पेड़ वगैरह हम काटते हैं। तो जो दो मेन एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स है वो क्या है, पहली तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जो एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसकी दो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, पहली तो क्या है, जो ओजोन लेयर है वो ख़त्म होती जा रही है ना, और दूसरा क्या है, वेस्ट डिस्पोजल। जो वेस्ट मटेरियल है वो हम डिस्पोज कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, वो ठीक है ना, जो कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं बाहर ऐसे ही, इस तरीके से। तो जो पहला पॉइंट है आपका ओजोन लेयर, ठीक है, वो आज हम आपका टॉप इसमें वर्कशीट में करेंगे, और जो वाटर डिस्पोजल है वेस्ट डिस्पोजल है वो नेक्स्ट वर्कशीट में करेंगे। ठीक है, सो ओजोन लेयर क्या है, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, मतलब रक्षा करती है, ये पूरे अर्थ के अराउंड होती है, चारों तरफ ऊपर पूरा, विच अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस ऑफ द सनलाइट। जो सूरज की तरफ से जितनी भी रोशनी आती है वो बहुत, अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पे लगेगी तो वो बहुत हार्मफुल होती है। तो जो वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस है जो सनलाइट में आते हैं सन के थ्रू, उनसे प्रोटेक्ट करती है ये हमारे पूरे अर्थ को कवर करके। दिस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग फ्रॉम मेनी हेल्थ हजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। तो इस तरीके से ये जो बहुत सारी मतलब हजार्ड्स हैं, जैसे स्किन कैंसर से बचाता है, ठीक है, और बहुत सारी हेल्थ बाकी भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज होती हैं, उनसे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। दूसरा जो ओजोन लेयर है वो हायर लेवल पे होती है एटमॉस्फेयर के, स्ट्रेटोस्फेयर पे होती है। ठीक है, सो जो ये ओजोन लेयर है ये बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। ओजोन मॉलिक्यूल से ओजोन लेयर बनती है। तो ओजोन मॉलिक्यूल क्या होता है, तीन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन होता है, ठीक है, आपस में तीनों O3 होता है इसका फॉर्मूला। तो जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है वो क्या करती हैं, ऑक्सीजन को किस में तोड़ देती है, ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो ऑक्सीजन है O2, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस उस पर पड़ती हैं तो ये अलग अलग इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में इसको तोड़ देती हैं। तो जो ये ऑक्सीजन एटम्स हैं ये कंबाइन होकर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन ये हो गया, और ऑक्सीजन के साथ O2 और एक ये O3 क्या बनाते हैं, ये ओजोन बनाते हैं। ठीक है, सो नाउ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट कैसे हो रही है, ख़त्म कैसे हो रही है। देखो, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हम कर रहे हैं सिंथेटिक केमिकल्स का, जैसे CFC यूज़ कर रहे हैं, जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, AC वगैरह में यूज़ करते हैं, वो एक कारण है डिप्लीशन का ओजोन लेयर का। तो जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, UNEP है, उन्होंने क्या किया, सक्सेडेड इन फॉर्जिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रिज। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया कि जो CFC प्रोडक्शन है ना, टू फ्रिज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल्स क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज़, की जो सारी कंट्रीज़ है ना इतना ही CFC ये यूज़ कर सकती हैं, मतलब ये कर दे, इससे ज़्यादा यूज़ ही नहीं कर सकते तुम। तो ये एग्रीमेंट बना दिया, ठीक है ना। तो ये शर्त रखी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, सबके लिए कंपल्सरी है। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, जो भी CFC फ्री रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, उनके लिए फॉलो करना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, नाउ मूविंग टू आर क्वेश्चन आंसर। सो वी आर गिवन 4 क्वेश्चंस टुडे। तो चारों क्वेश्चंस के आंसर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर कौन सी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करती है, जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं उनको अब्जॉर्ब करती है। आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सन भी लिख सकते हो, या सनलाइट भी लिख सकते हो, अदरवाइज खाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो बस ये पूछा कौन सी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। क्लियर, सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर। जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में। सो हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल। देखो, जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो 3 एटम्स का बनता है, ऑक्सीजन को अगर हम कंबाइन कर दें O3, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो ऑक्सीजन को तोड़ देती है ऑक्सीजन एटम्स में, ठीक है। सिंपल UV रेडिएशन ऑक्सीजन को इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में तोड़ देती है। तो जो ये ऑक्सीजन एटम्स हैं ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ओजोन बनाने के लिए। ऑक्सीजन है, NO के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, O3 ओजोन बनाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो बनता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।
ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? देखो जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है उसमें बनाया गया है, जो मैंडेटरी लिमिट्स बनाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस पे। ठीक है, कितने इससे ज़्यादा गैसेस है जो एमिट नहीं कर सकते, जैसे CFC वाला है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ ओजोन, what would happen if the ozone layer in the atmosphere completely disappears। तो देखो ओजोन है वो एक नेचुरल अकरिंग मोलिक्यूल है जो 3 ऑक्सीजन एटम्स का बना होता है। तो ऑक्सीजन जो अगर ऑक्सीजन लेयर है एटमोसफेयर में अगर डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जो सन से आ रही हैं वो अर्थ सर्फेस पर एंटर करेंगे, जिससे स्किन कैंसर होगा और बहुत सारी बाकी एलिमेंट्स होंगे ह्यूमन्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, और ऑल्सो प्लांट्स को भी ये डैमेज कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो ये फोर क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में हम उनसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल रहे हैं, टेक केयर, बाय बाय।